हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल वाइटल फार्म एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियोज में देखते हैं रोटरी इवेपोरेटर के बारे में। आप लोग थ्योरी तो पढ़े ही होंगे, आज हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली होता क्या है, ये कैसे किया जाता है, रोटरी इवेपोरेटर का पूरा सेटअप क्या है। जो सामने दिख रहा है ना आप लोग का पूरा सेटअप, ये रोटरी इवेपोरेटर का है, ठीक है, रोटा बोलते हैं शॉर्ट में, राइट। अब देखते हैं इसमें कौन से पार्ट का क्या काम है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसमें देखते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है यह है वाटर बाथ। वाटर बाथ का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो हीटिंग होगी, यहाँ पे पानी जो है वो बॉयल करेगा, इसका पानी जो है वो गर्म करने वाला बात है, जनरली ये समझिए आप, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा पार्ट आता है ये देखिए आपका, ये है वैक्यूम। वैक्यूम का क्या काम है, ये वैक्यूम क्रिएट करेगा, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट करेगा मतलब क्या होगा, जो भी आपका सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग प्वाइंट कम होगा। वैक्यूम के बारे में तो पता ही होगा, मान चलिए इसमें अगर वाटर रहता तो वाटर की बॉइलिंग प्वाइंट मान चलिए 100 डिग्री है, तो यहाँ से आपको 100 डिग्री देना पड़ता तभी ये बॉयल होता। लेकिन यहाँ से हम वैक्यूम अगर क्रिएट करेंगे तो वो 50 डिग्री पे भी बॉयल कर सकता है, मतलब बॉइलिंग प्वाइंट को कम कर देता है जब आप वैक्यूम अप्लाई करते हैं। तो चलिए ये तो आपका पंप है, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट हो तो उसके अनुसार से हम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं, राइट। अब देखते हैं ये पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका कंडेंसर। कंडेंसर तो पड़ा ही होंगे, यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ में चिलर लगा हुआ है, ठीक है। चिलर क्या करेगा, इस कंडेंसर को पूरा चिल करेगा, मतलब ठंडा करेगा। ये पूरा अभी कूल है, ठीक है, कूल है मतलब पूरा ठंडा है। अब देखिए ये क्या होगा, ये आपका सामने चिलर है, ये क्या करेगा, कंडेंसर को कूल करेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब पूरा सिस्टम देख लेते एक बार कैसे चलता है। यहां से देखिए नॉब को बंद करेंगे, नॉब को बंद करने के बाद में क्या करते हैं अपन, वैक्यूम अप्लाई कर देते हैं, ठीक। अब वैक्यूम क्या करेगा, उसके बॉइलिंग प्वाइंट को कम करेगा, मतलब कम टेम्परेचर देना पड़ेगा और वो बॉयल हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, यहाँ से अप डाउन करने वाला है, यहाँ से इसको डाउन करके इसको डिप कर लेंगे राउंड बॉटम में, जिसमें भी अपना सॉल्वेंट एंड प्रोडक्ट है उसको इसमें डिप कर लेंगे वाटर बाथ में। ये देखिए एक बार अगर डिप हो गया, फिर इसको रोटेट करने के लिए यहाँ से इसको क्लिक करिएगा तो देखिए पूरा सिस्टम रोटेट होने लगा है। अब कितना आरपीएम सेट करना है वो आपको डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सॉल्वेंट है एंड कौन सा क्या है। यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ाइएगा देखिए स्पीड में घूमने लगा, फिर इसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी 85 पे इसको सेट कर दिया, ठीक। देखिए यहाँ पे वैक्यूम यहाँ से चालू है, देखिए यहाँ पे ये पिनअप हो रहा है, मतलब वैक्यूम आपका चालू है अभी। अब देखिए यहाँ से धीरे धीरे ये सॉल्वेंट इवेपोरेट होकर के इसमें आ रहा है, यहाँ पे देखिए कंडेंस होना चालू हो गया है। ये कंडेंस होकर के यहाँ पे राउंड बॉटम लगाते हैं, इसमें हमारा कलेक्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखिए वैक्यूम अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, इस सॉल्वेंट को ये क्या करेगा, बम्प कर जाएगा, मतलब पूरे सिस्टम में आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी चला जाएगा, लेकिन वो हमें नहीं करना। तो इसलिए देखते रहते हैं, इसमें अगर बबल्स आने लगता है तो वैक्यूम को यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारा बम्प ना करे, ठीक। तो देखिए पूरा सिस्टम चालू हो गया है, ये चिलर है, यहाँ से देखिए इवेपोरेट जो हो रहा है वो इसके थ्रू कंडेंसर में आ रहा है, कंडेंसर पहले से ठंडा है ही, ये क्या करेगा, इसको सॉल्वेंट को कंडेंस कर देगा, कंडेंस करने के बाद में ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा एक साथ में, ठीक है। देखिए पूरा सिस्टम ये चालू है, चल रहा है पूरा सिस्टम, ठीक। अब जब हो जाएगा पूरा, इसमें अपना प्रोडक्ट बच जाएगा, पूरा सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, पहले वैक्यूम तो बंद ही है, वैक्यूम बंद करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से बंद करेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऊपर लाएंगे, यहाँ से देखिए जो भी वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसको रिलीज कर देंगे, वैक्यूम रिलीज हो गया, जो भी सॉल्वेंट था हमारा इसमें इकट्ठा हो गया, जो भी प्रोडक्ट रहेगा आपका वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको खोलिए, ये निकाल लीजिए, ये सॉल्वेंट आप निकाल करके किसी कोनिकल में रख दीजिए। ये पूरा सेटअप था और पूरा वर्किंग था किसका, रोटरी इवेपोरेटर का, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए एंड हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को शेयर करिए एंड लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कौन से एक्सपेरिमेंट के बारे में या फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।